रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेमरी रेलवे ट्रैक पर शनिवार को लड़का आजाद उम्र 18 साल रेलवे ट्रैक किनारे लाश मिली। सूचना के मुताबिक सरेनी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वही आजाद के परिजनों का कहना है कि आजाद की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर डाला गया है और पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। वही सरेनी थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कार्यवाही की जा रही है और जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताते चले कि लाश पोस्टमार्टम आने के बाद देवपुर के परिजनों ने आज मंगलवार की सुबह आजाद की लाश को कानपुर हाईवे सेमरी चौराहा हाईवे पर रखकर लोगों ने जाम लगा दिया। लोगों में आक्रोश व्याप्त है। तभी आनंद फानंद पहुंचे थाना सरेनी प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने अपने पुलिस बल के साथ सेमरी चौराहा पहुंचकर लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित परिजन मानने को तैयार नहीं। तभी सूचना पाकर नवागत SDM सुरेश कुमार सोनी ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। लोगों को शांत कराया तब जाकर कानपुर हाईवे का जाम खुल सका। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।